और अभी आपको बताएं, एमक्यू पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और खत का वतन यह है कि अरशद वोहरा को डेप्टी मेयर के ओहदे से हटाया जाए। अरशद वोहरा का एमक्यूएम छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। खत के वतन के मुताबिक अरशद वोहरा की डेप्टी मेयर के ओहदे से नाहली का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। फारूक सत्तार ने खत में इस मामले पर राबता कमेटी के 3 नवंबर के इजलास का भी हवाला दिया। इजलास में अरशद वोहरा के मामले पर मुझे कानूनी कार्रवाई का इख्तियार दिया गया था। खत का ये वतन है और अरशद वोहरा की खाली सीट पर जिमनी इलेक्शन कराने का मुतालबा भी किया है।